पुलिस की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट जज के बाहर से महिला का हुआ अपहरण, घटना मोबाइल में कैद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से हैरतगंज का मामला सामने आया है, जिसमें पीलीभीत पुलिस की उदासीनता देखने को मिली। पीलीभीत पुलिस लाइन से चंद कदमों की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट जज के घर के बाहर से पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग महिला का जबरन अपहरण करके ले गए। फिलहाल महिला और उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन यह घटना पास में खड़े अधिवक्ता लोगों के मोबाइल में कैद हो गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। जी मैंने बताया, मामला तो मुझको भी नहीं पता, मैं अपने चैम्बर में काम कर रही थी बैठी हुई, और जो घटना हुई है वो मेरे चैम्बर के बिल्कुल बाहर के बस दो चार कदम की दूरी की है। जैसी ये कहा सुनी हुई हम लोग पहुंचे देखने के लिए, और कुछ मामला समझ में ना आते हुए इसलिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि वो लड़की चीख रही थी, उसको जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाला जा रहा था कि इसको लेके जाएंगे, और वो चीखती रही कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी उसके साथ के लोग ये धमकी देते हुए उसे जबरदस्ती टमटम में बिठा के ले गए कि हम तुझे ले जाके गोली मारेंगे। वीडियो में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं? जी वीडियो में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, कुछ अधिवक्ता भी दिख रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, और ना ही उस लड़की को रोकने की कोशिश की, ना ही जो उसको ले जा रहे थे उनसे मामला समझने की कोशिश की। और ये आने वाले समय में ये गंभीर मामला भी हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है। जानकारी देते हुए पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने बताया कि कुछ पारिवारिक कलह को लेकर यह लड़ाई हुई थी। सामने एक महिला का अपहरण हुआ है, पुलिस की मुस्तैदी वीडियो में पुलिस की आ रही सामने। ऐसी एक घटना की सूचना अभी मिली है, लेकिन अपहरण जैसी बात किसी नहीं बताई। उसमें ऐसा बताया गया है कि किसी महिला को कुछ शादी का मैटर था, जिसमें उसके घर वाले उसको ले गए हैं। उक्त प्रकरण की सूचना मिलने के बाद उसकी जांच के आदेश मैंने दे दिए हैं। अगर किसी पुलिस वाले की लापरवाही इसमें पाई जाएगी तो उसके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दो पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं वीडियो में, जो पुलिसकर्मी वीडियो में दिख रहे हैं उनसे उनका एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया गया है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया इस बात पर, उन्होंने घटना का संज्ञान लिया तो उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई की, अगर उनकी कहीं भी कोई त्रुटि निकलती है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।